फिर से एक बार आपके सामने क्राफ्ट क्लास लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक वेस्ट मटेरियल से, कार्डबोर्ड से, जो होगा हैंगिंग लैम्प, ठीक है, और जो टोटली जीरो कॉस्ट में होगा। और उसमें आपको क्या होगा, आजकल बहुत दुकानों पे मिल रहा है हैंगिंग लैम्प वगैरह, वो आप घरों पे बना सकते हो या इसको बना के बिक्री भी कर सकते हो, आपको कुछ अर्न भी हो जाएगा। तो उसी को सोच के हमने कुछ आपके लिए रेडी किए हैं। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए, टूल्स, ठीक है, और मटेरियल भी क्या क्या चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं। टूल्स में फर्स्ट स्केल, राउंड प्रोटेक्टर, राउंड नहीं होने से भी चलेगा, एक टेस्टर, एक पेंसिल कंपास, पेंसिल, एक मार्कर, एक नाइफ, एक सीजर, ग्लू गन विथ ग्लू स्टिक, क्विक फायर ग्लू, मटेरियल में एक होल्डर, एक एलईडी बल्ब, वायर और उसके साथ टू पिन, कार्डबोर्ड। हमें टू बॉक्सेस कार्डबोर्ड होने से हो जाएगा उसमें करीबन। चलिए आप लोगों का शुरू करते हैं, कैसे बनेगा सारा डिटेल्स हम दिखा देंगे, अभी कैसा कैसा बनेगा स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का कार्यक्रम। पहले हमको एक कार्डबोर्ड लेना है, हम लोगों को इस तरह कार्डबोर्ड में हम रैंडमली हमें एक शेप लेना है। देख लीजिए कैसा शेप, कोई फिजिकली नाप का नहीं है, ऐसे हम लोग हाथ से फ्री हैंड से एक सुंदर सा शेप ले लेंगे। यहाँ पे लाइंस जो डाल रहे हैं, लाइंस जो डाल रहे हैं, वो लाइंस का क्या यूज है मैं बताऊंगा। इसी तरह हमें 12 पीसेस निकालना है कटिंग करके, ठीक है, और इसके बाद हमें एक सर्कल लेना है, आपका रेडियस होना है 6 रेडियस लेना है, ठीक है, और एक रेडियस के हिसाब से पूरा डायमीटर आएगा आपको 12 डायमीटर आएगा। फिर इसमें से बीच में से डायमीटर निकालेंगे, प्रोटेक्टर का साइज इस सहायता से हम इसको डिवाइड करेंगे। हमें 12 पीस लेने हैं तो इसमें 360 होता है इसका पूरा ओवरऑल प्रोटेक्टर का, ये राउंड प्रोटेक्टर है, और हाफ प्रोटेक्टर आएगा तो 180 का आएगा। तो हमें इसमें से 12 निकालना है तो 12 निकालना है, तो कैसे करेंगे इसे 12 का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे 360 को, तो डिवाइड कर देने से हमें आएंगे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री पे हम मार्क कर ले रहे हैं। और ये 180 डिग्री में हम लोग मार्क कर लिया तो हमें नीचे भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, अभी मिड पॉइंट से जो एंगल लिया था वो एंगल को डायमीटर सा रहेगा। और एक 6 डायमीटर लिया था, 6 सेंटीमीटर,
उसमें 5 सेंटीमीटर का और एक रेडियस लेके और एक सर्कल ले लेंगे उसके अंदर बीच में। हमें क्या करना है, कट करना है इसको, और एक हमें लेना है और एक सर्कल चाहिए, दो सर्कल चाहिए। ये आएगा आपका 4 सेंटीमीटर का आएगा। इसे भी सेम इनसाइड सर्कल लिया है, एक बीच से काट के हमको निकालना है और एक अभी कैसा करेंगे देख लेंगे। मैंने काट के रेडी कर लिया हूँ पहले से, इस तरह 12 पीसेस ये हमारे पास है, 12 पीसेस यहाँ पे। ये दिखने में आपको किस तरह लग रहा है, क्वेश्चन मार्क का तरह लग रहा है ना, करीबन इसी तरह होगा, सारा 12 पीसेस होगा। और सर्कल भी से कट कर लिया हूँ, ठीक है, जो हाफ सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का जो रखा है मैंने राउंड इनसाइड राउंड, वहाँ तक ही हमने कट कर लेना है इस तरीके से। इसके भी सेम, मैंने 3 राउंड बनाया था ना, तो 3 राउंड में बीच वाला राउंड हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। अभी चलिए रेडी करते हैं इसके लिए बल्ब, जो हैंगिंग लैम्प होगा उसके लिए हमारे पास वायर है, इसके अंदर से हमने काम करने वक्त आप हमेशा पेरेंट्स को बड़े को साथ में रख के ही करें। फिक्स कर लिया हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको फिक्स कर। इस तरीके से इसके अंदर हमने सेट कर लिया।
हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हमें देखना है इसके हम लोग पैटर्न बनाना है। पैटर्न बना कैसे बनाएंगे उसका एक डिज़ाइन रेडी करेंगे अभी, और इसके बाद इसमें हमें 12 इस तरह स्ट्रिप लगाए हैं बना के, जो क्वेश्चन मार्क का तरह था वो 12 लगाए हैं। और लगाने वाला जो 12 में अभी हमको एक एक रो में 6-6 पैटर्न लगाना है। 6-6 पैटर्न लगाना है तो हमें कितने कट करे हैं इसमें, इसमें कट करे 1 2 3 4 5 6 7 कट करे हैं, तो 7 में 7 × 6, ठीक है। तो हमें तीन शेप में लेना है। एक शेप फर्स्ट शेप में हमारा बड़ा वाला जो आएंगे अभी आएगा तो वो 24 पेटल चाहिए, 1 2 3। फिर इसके बाद ये जो आएगा 6, ये वाला 6 6 12 आएगा ये पोर्शन में, और इसमें आएगा आपका 6 पेटल और इसमें आएगा 6 पेटल, तो डिफरेंट शेप का आएगा। तो कितने तरह का आया, 1 2 3 4 तरह पेटल बनेगा, ठीक है। तो हम कैसे इसका पेटल का नाप कैसा लेंगे वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए स्केल ले लेंगे उसके। हमें एक कॉर्नर से करते हैं, बहुत सारा बनाना पड़ेगा, 24 पेटल बनाना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सेंटीमीटर फर्स्ट, ले लेंगे 8 सेंटीमीटर ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर एक लाइन ले लेंगे। उसका मिड 8 सेंटीमीटर का मिड कितना होएगा, 4 से आपको 90 डिग्री में एक स्ट्रेट लाइन 10 सेंटीमीटर तक एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। और उससे हमको 10 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर में एक पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है। और 8 लिए थे, अभी इसको फिर से 10 लेना है, 20 से आपको 5 से राइट आपका राइट साइड और 5 राइट साइड, तो 10 सेंटीमीटर इस तरीके से इसको अभी ए पॉइंट से ए पॉइंट को और ए पॉइंट से ए पॉइंट को सारे को अभी ज्वाइंट करना है। आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए मैंने इसके बीच में ये लाइन का जरूरत नहीं है, एक बन जाएगा उसके बाद सारे हमको काट के रेडी कर लेना है। और एक छोटे वाले इसी तरीके से छोटे वाले अभी इसी तरह से हम लोग काट के रेडी करके रखे हैं, ये 4 डिफरेंट साइजेस में, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये साइज का है,
ये साइज का है, ठीक है, चार डिफरेंट साइज में काट कर रेडी कर चुका है, ठीक है। इसके बाद हम इस सब को फिक्स करेंगे। फिर एक एक करके इसी तरह एक एक को छोड़ते हुए इसमें हमने कट कर लिया ना, देखे ना कट के वाला जगह पे इसके अंदर हमने फिक्स कर लिया।
हमारा बन के रेडी हो चुका है, जो हैंगिंग लैम्प है। देखिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक हैंगिंग लैम्प हम लोग तैयार कर चुके हैं, आप लोग भी घरों पे तैयार करिए। ये आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, बना के आप दुकानों पे सेल्स भी कर सकते हो, या घर पे अपना घर को डेकोरेट करने के लिए सुंदर सा घर में रात का टाइम जो नाइट लैम्प होता है ना, उस तरह का रात को आपको घर में उजाला, हल्का उजाला, डीम उजाला चाहिए तो उसमें आप रख के करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ दीजिए और आप लोग इसी तरह से सुंदर सुंदर चीज अभी हम लोग और भी करेंगे, और आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू प्रोडक्ट देखने के लिए और बनाने के लिए।